तो मास्टर्स क्लास में मैंने पहला क्लास स्टार्ट किया था जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको बहुपद, और उसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट बताया और उस कंसेप्ट पर आधारित आपको प्रश्न कराया था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे उस हर एक कंसेप्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे जो भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए, और आज मैं बहुपद से संबंधित एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि सभी बच्चों को पता है वो कौन सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आधारित है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पे। वो कंसेप्ट आधारित है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पे। कहने का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर जोड़ जेड का स्क्वायर जोड़ दो गुने एक्स गुने वाई जोड़ दो गुने वाई गुने जेड जोड़ दो गुने एक्स गुने जेड। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा। तो चार बस वाई टाइप कीजिए। आज हम लोग इस फॉर्मूला पर संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। आज हम लोग इस फॉर्मूला पर संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है तो चार बस वाई टाइप कीजिए। अगर ये फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है तो चार बस वाई टाइप कीजिए। याद है ना आपको? चलिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सभी को सबसे पहले आप प्लस करके बनाइए, सभी जगह क्या है, प्लस है। चलिए इस प्रश्न को बनाइए सारे बच्चे जल्दी जल्दी। ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूला पर संबंधित प्रश्न दिया गया है। सभी जगह आपका क्या है, सभी जगह आपका प्लस दिया गया है। चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसको बनाएंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। देखिए ये जो है प्रश्न आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर बनाया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पर ये प्रश्न दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इस प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत और हिंट देता हूँ ताकि आप और अच्छे से कर सकेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। देखिए हमें पता होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस दो गुने एक्स गुने वाई प्लस दो गुने वाई गुने जेड प्लस दो गुने जेड गुने एक्स। ये होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। चलिए तो हमें क्या दिया गया, हमें पहले ये दिया गया, ये दिया गया है मतलब देखिए इसको हमको इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लाना है। मतलब हमें क्या दिया गया, देखिए हमें अगर ये दिया गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसी प्रकार हमें ये दिया गया है तो हमें उसको इस फॉर्म में लाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या है, वाई की जगह लिखा है आपको 4, वाई की जगह आपका 4 बी स्क्वायर प्लस जेड की जगह क्या है 9 सी स्क्वायर प्लस आगे दिया है 16 ए बी प्लस 12 बी सी प्लस 24 ए सी, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पे एक्स का द होल स्क्वायर है, मतलब कि एक्स के अंदर जो भी चीजें सबके द होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 अलग है और ए का अलग से स्क्वायर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, दोनों का द होल स्क्वायर ज्ञात करना है, हमें क्या करना है दोनों का द होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 16 ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 16 ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4 ए का होल स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि 16 ए स्क्वायर को हम लोग 4 ए का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि 16 ए स्क्वायर जो है 4 ए के द होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलिए जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए 4 ए स्क्वायर का मतलब हुआ 4 ए गुने 4 ए, क्या हुआ 4 चौका 16 गुने ए 16 ए स्क्वायर। 4 ए का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 4 ए गुने 4 ए जो कि बराबर होगा 16 ए स्क्वायर के, जो कि बराबर होगा 16 ए स्क्वायर के। इसका मतलब हम लोग 16 ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4 ए स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चार बस में टी टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे। अगर ये समझ में आ गया कि 16 ए स्क्वायर को हम लोग 4 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चार बस में टी टाइप कीजिए सर बच्चे।
अगर ये समझ में आएगा सारे बच्चों को कि 16a² को हम लोग 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, आइए सुनने। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बताइए जल्दी जल्दी सारे बच्चे कि 4b² को क्या लिख सकते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार फिर हम लोग 4b का स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार बताइए सर बच्चे कि 9c² को क्या लिख सकते हैं, 9c² को क्या लिख सकते हैं। तो 9c² को लिख सकते हैं हम लोग 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि देखिए ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा z, x y z। हमें x y z मिल गया, देखिए हमें x मिल गया, हमें y मिल गया, हमें z मिल गया। ठीक है अब आगे करके देखते हैं, चलिए देख लेती है आगे। देखिए तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने x इंटू y, x से 4a गुने 2b। इसको गुना कीजिए, देखिए क्या हुआ, 4 दुनिया 8 दुनिया 16, ए भी देखिए ऊपर वाला बराबर आ गया। बहुत बढ़िया, मतलब हमने जो किया है सही किया है। ठीक उसी प्रकार यहां देखिए ये हो जाएगा 2 गुने y गुने z, यानी 2b गुने 3c। फिर गुना कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, देखिए ऊपर वाला के बराबर आ गया, मतलब हम लोगों ने सही किया है। फिर 2 गुने z गुने x, तो z कितना है हमारे पास 3c, तो 3c गुने x कितना है 4a। तो देखिए इसको गुना करते हैं, 4 3 12 2 24, मतलब 24ac के बराबर आ गया। तो इस प्रकार हमने जो ये नीचे वाला है ये किस फॉर्म में डाल दिया हम लोगों ने, हमने इसको देख लिया ये हो गया 2xy, इसको हम लोग देख लिया ये हो गया 2yz, इसको हम लोग देख लिया ये हो गया 2zx के फॉर्म में। इसका मतलब ये कुल मिला के किसका स्क्वायर लिखा है, ये कुल मिला के आपको x+y+z का स्क्वायर लिखा है। और हम लोगों ने x किसको माना है, तो हम लोगों ने x जो है 4a को माना है, तो 4a हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जगह 4a प्लस वाई किसका है 2b+z किसका है 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर। ठीक है इसका मतलब इसका गुणनखंड कितना होगा, तो 4a+2b+3c का होल स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सबसे पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। चल मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें दिया क्या है, एक फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला, कि x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx का मान कितना होता है, x+y+z का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ये सभी बच्चों को पता है। और हमें पता है कि अगर हमें x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx का मान दिया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x+y+z का होल स्क्वायर के बराबर दिया गया है। ठीक है अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 16a² + 4b² + 9c² 16ab 12bc 24ac का गुणनखंड। तो देखिए ये भी आपका इस फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको x+y+z के फॉर्म में ला सकते हैं। तो मैंने वही किया है, देखिए मैंने वही किया है, मैंने इसको क्या किया है, इसको x बना लिया, इसको मैंने y बना लिया, इसको मैंने z बना लिया। इस प्रकार हमें एक्स वाई जेड मिल गया, तो हम उसको क्या किए, x+y+z के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला दिए, जहां x का मान है 4a, y का मान है 2b, z का मान है 3c द होल स्क्वायर। तो ये अब इसका हो जाएगा गुणनखंड। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में अभी टी टाइप कीजिए। अब वाई नहीं टाइप करना, क्या टाइप करना आपको, टी टाइप करना है सभी बच्चों को, वाई नहीं टाइप करना, क्या टाइप करना आपको, टी टाइप करना है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये एक प्रश्न आपका था बहुपद से, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मास्टर्स क्लास का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आपका, जो कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है वो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये क्या होता है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या होता है, चलिए एक एक करके सीख लेते हैं। क्या दूसरा अध्याय, क्या है दूसरा अध्याय, हम शुरू करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक
समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये क्या है, चलिए क्या करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए दो पहले लिख लेते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए तो सभी, सबसे पहले सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं एक एक करके, बताइए चर क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, बताइए चर क्या होता है। चार बॉक्स बताइए सर बच्चे, जल्दी जल्दी चर क्या होता है, चर क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चार बॉक्स में चर क्या होता है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे बताया सर एक्स वाई जेड सब क्या होता है, चर होता है। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए चर का मतलब होता है जिसका मान चेंज होते रहे, जिसका मान चेंज होते रहे, फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी सब क्या है, ये सब आपका चर कहलाता है, ये सब क्या कहलाता है आपका, चर कहलाता है। ठीक है, चलिए चर तो समझ में आ गया। फिर आता है रैखिक, तो जल्दी बताइए सारे बच्चे कि रैखिक बहुपद का घात कितने के बराबर होता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, बताइए जल्दी बताइए सारे बच्चे, कितना होता है रैखिक बहुपद का घात। रैखिक बहुपद का घात होता है वन, रैखिक बहुपद का घात होता है वन। ठीक है, तो देखिए हमें दो चीजें समझ में आ गई, सबसे पहले चर समझ में आ गया, दूसरा रैखिक समझ में आ गया। अब आती है बात कि समीकरण क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं समीकरण क्या होता है। देखिए समीकरण बहुत ही सरल है, समीकरण बहुत ही सरल। देखिए समीकरण क्या होता है कि जब दो व्यंजक को हम लोग बराबर के साइन से इक्वेट करते हैं, यानी दो व्यंजकों के बीच में अगर हम बराबर का साइन लाते हैं वो समीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक्स एक व्यंजक है, एक व्यंजक दो है, और इनके बीच में मैंने ला दिया इक्वल का साइन, बराबर का साइन, तो इसे कहेंगे हम लोग समीकरण। यानी समीकरण का सीधा मतलब क्या है कि अगर बराबर का चिन्ह आता है, बराबर का साइन आता है, तो वो क्या कहलाता है, वो समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वो समीकरण कहलाता है। अमित नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके कॉपी किताब खोलकर बैठ जाए, पढ़ाई करे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण का मतलब हुआ कि जहां इक्वल का साइन, जहां बराबर का चिन्ह आता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा समीकरण कहलाता है। अगर सारे बच्चों को चर, रैखिक और समीकरण ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं, तो चार बॉक्स में आइटम करेंगे। अगर सारे बच्चों को चर, रैखिक और समीकरण समझ में आ गया है, तो चार बॉक्स में आइटम करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए चर वो होता है जिसका मान फिक्स ना हो, चेंज होते रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड सब क्या होता है, ये सभी सभी चर कहलाते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात हमारा वन के बराबर हो, जिसका घात हमारा वन के बराबर, उसके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल का चिन्ह हो, जिसमें बराबर का चिन्ह हो, समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम और अच्छे से लिख के बताते हैं, आपको ध्यान दीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, अभी समझेंगे। देखिए तो दो हम पहले चर लेते हैं, दो चर लेते हैं, दो चर में क्या करते हैं हम लोग, एक एक्स लेते हैं, एक वाई लेते हैं, ये हमें दो चर मिल गया, ये हमें दो चर हो गया। सबसे पहले हम समझिए दो चर। अब आता है रैखिक, हम देखिए रैखिक मतलब इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। देखिए इसका अधिकतम घात क्या है, सबका घात में क्या है, पावर में वन है, तो इसका अधिकतम घात वन है। समीकरण कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से बराबर का चिन्ह आना चाहिए, तो बराबर कर देते हैं हम लोग जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दो चर मतलब एक्स वाई, रैखिक मतलब इसका घात क्या है वन, समीकरण मतलब यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है, ये समीकरण कहलाएगा। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोल रहा है आपको कि रूट टू एक्स बराबर सेवन वाई माइनस नाइन को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखिए और ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे निकालेंगे, सारे बच्चे निकालेंगे, जल्दी 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 सारे बच्चे निकालेंगे। देखिए हमें दिया गया है रूट टू एक्स बराबर सेवन वाई माइनस नाइन और इसको हमें बदलना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर
जीरो के रूप में और बदलकर हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। चलिए हम सीख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, इस फॉर्म में बदलना है, इनको क्या करना है, इस रूप में लाना है, ठीक है। तो इस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, सारा का सारा एक्स, सारा का सारा वाई, सारा का सारा सी, जो कांस्टेंट, सभी को सभी एक तरफ, मतलब कि आपको एल एच एस मतलब कि बायां पक्ष की तरफ लाना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग इसको, कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सभी को एक तरफ लाते हैं। ध्यान दीजिए सर बच्चे, हमारे पास दिया गया है √2x बराबर 7y-9। हम क्या करते हैं, सभी को एक साइड लाते हैं, यहाँ पर जगह आपके पास √2x, ये प्लस में है तो दूसरी तरफ आएगा तो -7y, ये माइनस में है तो दूसरी तरफ आएगा तो +9 = 0 = 0। अब हमें क्या करना है, इसको ax + by + c के बराबर करना है। तो यहाँ पर जगह ax + by + c = 0 = 0। अब हमें इसको दोनों को देखिए, मैंने एक फॉर्मूला दिया, अब हमें क्या करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखिए ये एक्स एक्स के बराबर हो गया, तो ए किसके बराबर हो जाएगा सर बच्चे, तो ए बराबर हो जाएगा √2 के, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए वाई, वाई के बराबर हो गया, तो बताइए बी किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे, बी किसके बराबर होगा, -7 के। देखिए तो बी किसके बराबर, देखिए बी बराबर होगा आपका -7 के, है ना। उसी प्रकार देखिए सी किसके बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका 9 के, सी बराबर हो जाएगा आपका 9 के। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न और कराता हूं मैं आपको, ताकि आपको और अच्छी से आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सभी सभी बच्चे बताएंगे कि एक मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कि एक मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कि एक मान कितना होगा। बहुत बढ़िया बोल रहे, देखिए एक से एक्स कट गया, एक के सामने क्या, एक सामने 9, तो एक मान हो गया 9। बी के मान कितना बदल जाएंगे सर बच्चे, वाई से वाई हो गया, बी के मान कितना होगा, तो बी के मान होगा √3, √3, ठीक है। सी के मान कितना होगा, सी के मान हो जाएगा, बताइए सर बच्चे कितना होगा सी के मान, सी के मान कितना होगा, -6 होगा, ना कि 6 होगा, क्या होगा, -6 होगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो ये एक प्रश्न था, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को अगर समझ चुके हैं तो चैट बॉक्स में एक बार टी टाइप कर देंगे। सभी बच्चे अगर इस प्रश्न को समझ चुके हैं तो चैट बॉक्स में टी टाइप कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए सर बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पहले क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन दिया गया आपको समीकरण 7x + 5y = 3 का कितने मान होंगे, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर देना है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब बस मात्र 1 मिनट वक्त है, सरलता पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कहाँ देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी है। प्रश्न बोला है समीकरण 7x + 5y = 3 का हल है, मतलब कि एक हल होगा तो एक आंसर होगा, दो हल होगा तो दो पे आंसर होगा, बहुत सारे हल होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपको इस चारों ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है, और इसका उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 30 सेकेंड, आपका एक हल होगा, दो हल होगा, कि बहुत सारे हल हो सकते हैं, या कोई हल नहीं होगा, तो इस प्रश्न को तरफ कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड, 50 सेकेंड, चलिए 10 सेकेंड, चलिए 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी देखिए समीकरण 7x + 5y = 3 का हमें हल ज्ञात करना है, हमें क्या करना है,
हल ज्ञात करना है, पहले देख लेते हैं। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले एक बार बगल में लिख लेता हूं, 7x + 5y क्या है, 7x + 5y = 3 का हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान देख लेते कितना होगा। देखिए हो जाएगा 7 × 0 + 5y = 3, तो यहां से हो जाएगा 5y = 3, तो y का मान हो जाएगा यहां से 3/5, है ना। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया। देखिए x मान अगर हम 0 रखे तो y का मान 3/5 हो गया, एक हल ये हो गया। ठीक है, दूसरा हल देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग x का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का मान देख लेते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा 7 × 1 + 5y = 3, और यहां से हो जाएगा 7 + 5y = 3, और यहां से हो जाएगा 5y = 3 - 7, और यहां से हो जाएगा 5y = -4, तो यहां से हो जाएगा y का मान -4/5, y का मान कितना हो जाएगा -4/5। ये हो जाएगा आपका दूसरा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका दूसरा सॉल्यूशन, ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन, ये हो जाएगा दूसरा सॉल्यूशन। इस प्रकार आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, सर क्या हम लोग 0 1 रख सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं रख सकते। हम इससे और ज्यादा रख के देख लेते हैं, इसके और आगे बोल सकते हैं कि x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या आता है। देखिए 7 × 2 + 5y = 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14 + 5y = 3, तो यहाँ से हो जाएगा 5y = 3 - 14, यहां से हो गया y = -11/5। यानी आप यहां से ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग x का मान बढ़ाते जा रहे हैं y का भी मान आते जा रहा है। इसका मतलब हम लोग अगर x का मान 3 रखेंगे तो कुछ ना कुछ y का भी मान आएगा, कुछ ना कुछ हमें y का भी मान मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर x का मान हम 4 रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें y का मान भी मिलेगा। इसका मतलब अगर हम x का मान 5 रखते हैं, x का मान 6 रखते हैं, x का मान 7 रखते हैं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इस जो समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण दिया गया है इसके कितने हल होंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसे कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जितना x हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना ही y के मान आते जाएंगे, या जितना लोग y के मान बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारे x के मान मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार सभी बच्चे बताएंगे इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा हल सही है इसका, बताइए जल्दी बताइए सभी बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है इसका। पहला तो नहीं होगा क्योंकि एक से ज्यादा होगा, दो उससे भी ज्यादा होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर सभी बच्चों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है। अगर सभी बच्चों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करना है आपको। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट हम लोग सीख लिया, दूसरा कंसेप्ट इसी से संबंधित है, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो अभी हम लोग ने कंसेप्ट सीखा इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको मात्र 1 मिनट के अंदर पोल सेक्शन में जाकर देना है। मात्र 1 मिनट के अंदर पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। प्रश्न है आपका, जांच कीजिए निम्न में से कौन सा समीकरण 2x + y = 10 का हल नहीं है, बराबर हल नहीं है। हल नहीं है कहने का मतलब कि जितना हमें निर्देशांक दिया गया है, सभी निर्देशांक मतलब सभी कोऑर्डिनेट को हम इसमें रखेंगे, अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर मतलब LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो वो मेरा हल होगा, अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं होगा तो वो हमारा हल नहीं होगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को बना लीजिएगा। लास्ट 50 सेकेंड, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, आपको बतानी है कि कौन सा इसमें से इसका हल नहीं है। हल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को हमें अपने समीकरण में रखना है, और दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होगा,
तो वो हमारा हल होगा, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं होगा तो हमारा हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए कुछ बच्चों को मैं और हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। ये हमारा पहला कहलाता है एक्स, दूसरा कहलाता है वाई। तो जो पहला है उसको हमको एक्स जगह पर रखना है, जो दूसरा है उसको हमें वाई के जगह पे रखना है। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। अनुज शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके आप बैठ जाए, कॉपी किताब खोलकर बैठे। अनुज शर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके कॉपी किताब खोलकर पढ़ाई करें। ठीक है, अगर ऐसा अनावश्यक हरकतें करेंगे मैं क्लास में कभी एंट्री नहीं दूंगा आपको। मैं एक बार लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई बच्चा अगर ऐसा अनावश्यक हरकतें करेगा और उनको लगता है कि मुझे नहीं दिखाई देता तो सभी चीजें मुझे दिखाई देती है, ठीक है, तो मैं आपको आगे आगे से क्लास में एंट्री भी नहीं दूंगा, ये ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए जी चलिए मैं आपको अभी क्लास से बाहर निकलता हूँ। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए हम लोग इस प्रश्न का हल देखते हैं, बहुत ही सरल है, हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं सारे सारे प्रश्न को। चलिए तो हमें दिया गया है पहले 2x + y = 10, ये हमें समीकरण दिया गया है। हम एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमें 1,8 दिया गया है। तो देखिए ये होगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y, है ना। तो जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां पे हम लोग 8 पुट करेंगे। चलिए पुट करके देखते हैं, ये लिखेंगे हम लोग 2 × 1 जोड़ y जगह लिखेंगे 8 लिखेंगे, बराबर हो गया 10। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये जगह 2 × 2 + 8 = 10। तो देखिए इधर भी हो गया 10 और इधर भी हो गया 10, इसका मतलब बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर हो गया आपका दायां पक्ष के, है ना। यानी आपका LHS बराबर हो गया RHS के, यानी LHS अगर RHS के बराबर होता है तो यानी इसका मतलब ये हमारा हल है, ये हमारा 1,8 क्या हमारा हल है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, हमें तो ज्ञात करना है हल नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है 4,2, ऑप्शन बी क्या दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है 4,2। चलिए ऑप्शन बी दिया गया हमें 4,2, हमें पता है कि ये पहला एक्स होता है दूसरा y होता है, चलिए उसमें रखते हैं। तो हमें दिया गया इक्वेशन 2x + y = 10, तो x जगह क्या रखेंगे, x जगह रखेंगे 4 + y की जगह रखेंगे 2, बराबर हो गया 10। तो ये हो जाएगा 4 × 8 + 2 = 10, तो 8 × 2 = 10 = 10। तब देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही चीज लिखा गया है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, इसका मतलब LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा हल है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, हमें तो ज्ञात करना है हल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी भी जो है हमारा गलत है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन डी को देख लेते हैं अगर पहले, फिर हम लोग ऑप्शन सी पाएंगे। ऑप्शन डी दिया गया है 3,4, ऑप्शन डी क्या दिया गया, 3,4 दिया गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, 3,4 दिया गया है, ऑप्शन सी डी दिया गया आपको, ऑप्शन डी दिया गया है 3,4। तो जो पहला होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा होता है वो वाई होता है, और हमें इक्वेशन दिया गया है 2x + y = 10।
इसका मतलब क्या है, ये हमारा हल है। इसका मतलब क्या है, 3.4 जो है हमारा ये हल है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है 3.4 क्या है, हमारी हल है। अब रही बात, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी को, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी को। तो देखिए ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 5.5। ऑप्शन सी क्या दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया आपको 5.5 दिया गया है। ऑप्शन सी दिया गया आपको 5.5। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग, 5.5। तो इसमें ये पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो ये जगह 2x+y=10। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × x का मान हो गया 5 + y का मान हो गया 5 = 10। तो ये जगह 5 × 10 + 5 = 10। तो यहाँ पे हो गया देखिए 15 और यहाँ हो गया 10। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब देखिए बायां पक्ष, त्रिकोण अच्छे से करता हूं, बायां पक्ष ये जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि LHS जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हल नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारा हल नहीं है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है दिलता है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि यही हमारा हल नहीं है, यही हमारा हल नहीं है। तो चलिए सभी से बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं बताता हूँ। इन दोनों को साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर करना है। अगर बराबर है तो हल है, बराबर नहीं है तो हल नहीं है। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। बहुत ही सरल है, दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है तो हल है, दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर नहीं है तो हल नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार अब हम लोग अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कंसेप्ट ये है कि दो चरों वाले जो प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख मतलब ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए x+y = कुछ भी हो, मान लीजिए 2 हो, तो इस प्रकार के जो भी समीकरण होते हैं इनका आलेख, इनका ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है, हमेशा सरल रेखा होता है। सरल रेखा कहने का मतलब क्या है, सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका हमेशा ग्राफ कैसे मिलेगा, तो सीधी लाइन मिलेगी, सीधी लकीर मिलेगी, एकदम सीधी लकीर मिलेगी, सीधा रेखा मिलेगा, ठीक है। याद रखना सभी बच्चों को, क्योंकि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उनका हमेशा ग्राफ जो होता है सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आती है दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट तो सभी बच्चे सीख गए, अब आती है दूसरा कंसेप्ट कि अगर x = 0 होता है तो उसे y अक्ष का समीकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर y = 0 होता है तो उसे x अक्ष का समीकरण कहते हैं। तो कुछ बच्चों को ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये कैसे हुआ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे सर बच्चे, मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ, और ग्राफ जो है बहुत ही सरल ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। जहां पे इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स अक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे पॉजिटिव वाई अक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव एक्स अक्ष, जिसे बोलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे निगेटिव वाई अक्ष, बोलेंगे निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। यहां तक क्लियर से बच्चे को, ये हो गया। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग थोड़ा नामकरण करते हैं, जैसे कि ये होता है बीच वाला 0, ये होता है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5,
सिक्स, सेवन, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर निगेटिव साइड बढ़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे बढ़ते जाएगा। चलिए अब मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एक्स बराबर पांच वाली लाइन कौन सी होगी, एक्स बराबर पांच वाली रेखा कौन सी होगी। बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, देखिए एक्स बराबर पांच वाली ये है, तो ये जो रेखा होगी ये एक्स बराबर पांच वाली होगी, ये एक्स बराबर पांच वाली लाइन में यहां लिख भी देता हूँ, ये हो गया एक्स बराबर पांच वाली लाइन। चलिए ठीक उसी प्रकार बताइए सर बच्चे कि एक्स बराबर -3 वाला लाइन कौन सा होगा, एक्स बराबर -3 वाला लाइन किधर होगा, तो निगेटिव एक्स एक्सिस में -3 क्या है, देखिए -3 यहाँ पे है, ये वाला होगा। चलिए मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ आपको, ये हो गया -3 वाला, ये हो गया एक्स बराबर, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया एक्स बराबर -3 वाला हो गया लाइन। ठीक है चलिए ठीक उसी प्रकार जल्दी बताइए सर बच्चे कि एक्स बराबर 0 वाला कौन सा लाइन होगा, एक्स बराबर 0 वाला कौन सा लाइन होगा। तो देखिए एक्स बराबर 0 वाला कौन सा है, देखिए ये है, ये एक्स बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा आपका, जो आपका वाई अक्ष होता है वो क्या होता है, वो एक्स बराबर 0 वाला लाइन होता है, यानी जो y अक्ष होता है वो क्या होता है, x बराबर 0 वाला लाइन होता है। चलिए मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर हमें पांच वाला बोला तो पांच में हम सीधी लाइन खींच दिए, तीन वाला बोला तो हम लोग सीधी लाइन खींच दिए, जैसे जैसे ये पारते हैं इसका मतलब ये सीधा है, मतलब ऐसे अगर x बराबर 3 बोलेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे 3 वाला खींच देंगे लाइन, x बराबर 6 वाला, ये 6 वाला लाइन हो गया, x बराबर 7 वाला 7 वाला लाइन हो गया, x बराबर 4 वाला 4 वाला लाइन हो गया, x बराबर 1 वाला ये 2 वाला लाइन हो गया। मतलब x का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आपका इससे वर्टिकल, वर्टिकल लाइन वाला हो गया। ठीक है सब बच्चों समझ में क्या होगा। चलिए अब आता है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एक्स बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, तो देखिए एक्स बराबर 0 जो होता है वो हमें वाई अक्ष का समीकरण देता है, वो हमें वाई अक्ष का समीकरण देता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स बराबर 0 हमेशा वाई अक्ष का समीकरण देता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स बराबर 0 हमेशा y अक्ष का समीकरण देता है, समझ में आ गया। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर हम इधर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, नीचे करें -1, -2, -3, -4, -5, बताइए कि अगर हम x बराबर -2 का लाइन खींचे कौन सा होगा, सॉरी y बराबर -2, इसको मिटाता हूँ, बताइए y बराबर -2 कौन सा वाला नहीं होगा, कहाँ वाई बराबर -2, नीचे वाला तो ये हो गया -2। चलिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया वाई बराबर -2 वाला लाइन, यानी वाई बराबर -2 वाला लाइन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ऐसे क्षितिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी, ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। वाई बराबर किसका इक्वेशन है, तो ये है आपका वाई बराबर -2 वाला लाइन है। ठीक है चलिए ठीक उसी प्रकार बताइए सारे बच्चे कि वाई बराबर 2 वाला लाइन कौन सा है, देखिए वाई बराबर 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाला जो लाइन होगा हमारा y बराबर, ये वाला जो लाइन होगा ये हमारा y बराबर 2 वाला लाइन होगा, ये जो लाइन होगा हमारा y बराबर 2 वाली लाइन होगी, ये जो लाइन होगी हमारी y बराबर 2 वाली लाइन होगी। ठीक है ठीक उसी प्रकार अगर ये हमें 0 दिख रहा है, ये हमें 0 दिख रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा आपका y बराबर 0 वाली लाइन, ये हो जाएगी आपकी y बराबर 0 वाली लाइन। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि y बराबर 0 किस अक्ष का इक्वेशन होता है, तो y बराबर 0 जो होता है हमें x अक्ष का समीकरण देता है, y बराबर 0 क्या देता है हमें, x अक्ष का समीकरण देता है, और x बराबर 0 किसका देता है, y अक्ष का समीकरण देता है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे, जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। तो यहां से हमें यह समझ में आया, यहां से हमें यह समझ में आया, चलिए यहां से हमें यह समझ में आया कि जो x बराबर 0 होता है, जो x बराबर 0 होता है वो हमें x y अक्ष का समीकरण देता है, जो y बराबर 0 होता है वो हमें x अक्ष का समीकरण देता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो x बराबर 0 होता है वो y अक्ष का समीकरण देता है, जो y बराबर 0 होता है वो x अक्ष का समीकरण देता है। ठीक है अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो जल्दी एक बार चैट बॉक्स में टी टाइप कर दीजिए,
जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टी टाइप कर दीजिए कि जो एक्स बराबर जीरो होता है वो वाई एक्स का समीकरण देता है, जो वाई एक्स का समीकरण होता है वो एक्स बराबर जीरो होता है, जो वाई बराबर जीरो होता है वो एक्स अक्ष का समीकरण देता है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ये दिया गया है कि आपको समीकरण 9x+7y=63 का आलेख खींचना है, 9x+7y चलो बराबर 63 का आलेख खींचना है। तो मेरा सभी बच्चों से ये प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि इस समीकरण का आलेख किस प्रकार की होगी। सीधी रेखा होगी तो चार एक्स वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। इस समीकरण का आलेख अगर सीधी रेखा होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं होगी तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए। सर बच्चे, अगर इस समीकरण का आलेख अगर सीधी रेखा होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस आलेख का जो आलेख होगी, इस समीकरण का जो आलेख होगी वो सीधी रेखा होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है, हमने अभी अभी सीखा है कि जब दो चर होते हैं तो उनका आलेख हमेशा सीधी रेखा आती है। जब दो चर होते हैं तो उनका आलेख हमेशा सीधी रेखा आती है। आगे समझ नहीं आता? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जब भी आपको आलेख खींचने का वाली प्रश्न आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में क्या करना है, आपको टोटल रो कॉलम बना लेना है। रो कॉलम का मतलब कि एक जगह एक्स रख लेना है। चलिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स रख लिया और यहाँ पे मैंने वाई रख लिया। एक जगह हम लोगों ने एक्स रखा, दूसरी जगह हम लोगों ने वाई रखा। ठीक है, चलिए अब इसको मैंने ऐसे क्यों किया, चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक जगह एक्स बराबर जब जीरो रखूंगा, मैं क्या किया, एक्स बराबर जीरो रखता हूँ तो देखता हूँ कि वाई का मान क्या आता है। चलिए देख रख के देखता हूँ, इसमें ये जगह 9x+7y=63 और ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास 7y=63, क्योंकि 9 × 0 जीरो हो जाएगा। तो यहां से आएगा आपके पास y के मान आएगा 67/7, y का मान क्या आएगा 63/7 और ये होगा आपके पास 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, यानी y के मान हो जाएगा 9। y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार एक बार हम लोग ने एक समान जीरो रखा, अब क्या करेंगे, वाई के मान जीरो रख के देखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, वाई के मान जीरो रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वाई के मान जीरो रखते हैं और हमें इक्वेशन दिया गया 9x+7y=63, तब क्या करना है, हमें वाई के मान जीरो रखना है। तो यहाँ पे देखिए 9x+7 × 0 = हो जाएगा आपके पास 63 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9x = 63, यानी यहाँ से हो जाएगा x=63/9, यहाँ पे हो जाएगा x=63/9, 63/9, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 × 7 = 63, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7, यानी आपके पास दो निर्देशांक मिल गए, एक मिल गया 0,9, दूसरा मिल गया 7,0। एक निर्देशांक हुआ आपका 0,9, दूसरा निर्देशांक हुआ आपका 7,0। ठीक है, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, फिर हम लोग इसका आलेख खींचते हैं। पहले आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। समझ में आ गई यहां तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है तो अब हम क्या करते हैं, इसका आलेख खींच लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो क्वाड्रेंट मिल गया, एक मिल गया आपको 0,9 और दूसरा मिल गया आपको 7,0 7,0। तो चलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, निर्देशांक अक्ष पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखिएगा आप तो देखिए इसमें क्या करते हैं, निर्देशांक की करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां हो जाएगा 9। ठीक है,
चलिए इसको मैं और बढ़ा देता हूं, ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9। चलिए इसको और ऊपर कर लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा आपका 9। अब चलिए अब आता है बात, सबसे पहला 0,9 कहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 0,9, तो हमें पता है 0 क्या है, पहले x होता है और दूसरा क्या होता है y वाला होता है, ठीक है। पहले 0,9 क्या होता है, पहले 0 जो होता है x होता है और 9 क्या होता है y होता है, तो x बराबर 0 कौन सी वाली लाइन होती है, तो x बराबर 0 जो होती है हमें पता है y x वाला लाइन होती है, तो ये वाला जो लाइन होगा ये x बराबर 0 वाला लाइन होगा। चलिए इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे, ये जो लाइन होगा आपका x बराबर 0 वाला लाइन होगा, तो यहाँ पर देता हूँ ये हो गया आपका x बराबर 0 वाला लाइन, मैं लिखते चलता हूँ ये हो गया x बराबर 0 लाइन। दूसरा y बराबर 9, तो y बराबर 9 वाला कौन सा लाइन है, देखिए y बराबर 9 वाला ये है, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों किस बिंदु पे कट कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है इस बिंदु पे कट कर रहे हैं, इस बिंदु का नाम होगा 0,9, इस बिंदु का नाम होगा 0,9, ठीक उसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 7,0, तो पहला होता है x दूसरा होता है y, तो x बराबर 7 कौन सा होता है, तो देखिए x बराबर 7 ये वाला होगा, चलिए ये हो गया आपका x बराबर 7 वाला लाइन, है ना। अब दूसरा क्या है y बराबर 0, तो y बराबर 0 कौन सा होता है, तो देखिए y बराबर 0 ये है, कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये देखो देखिए कहाँ कट कर रहा है, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस बिंदु का नाम है 7,0, इस बिंदु का नाम है आपका 7,0। इस प्रकार हमें दो बिंदु मिल गया, पहला बिंदु मिल गया आपका 0,9, दूसरा बिंदु मिल गया 7,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा लाइन का इक्वेशन होगा, यही हमारा आलेख का इक्वेशन होगा, यही हमारा आलेख का इक्वेशन होगा, ठीक है। चलिए अगर सारे बच्चों को ये आलेख समझ में आ गया, प्लीज इस किसका आलेख है, ये जो आलेख है आपका 9x+7y बराबर 63 का, ये आलेख दिया गया है, 9x+7y बराबर 63 का आलेख दिया गया है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, समझ में आया सर बच्चों को, देखिए बहुत ही सरल, देखिए इसको मैंने देखिए ग्राफिक बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आप इधर कीजिएगा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए मैंने इसको आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ, देखिए ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा सभी बच्चों को, यही ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था, यही ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 0,9, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 7,0, तो मैंने क्या किया इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला दिया है, तो देखिए मैंने इन दोनों को मिला दिया है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वही हमारा किसका समीकरण होगा, तो वही हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, तो ये हमारे हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम लोग यहां तक पढ़ेंगे, सभी के सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में ध्यान देंगे, सभी सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में ध्यान देंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है पूछ लेंगे, मैं आपको अपना आपका होमवर्क मैं आपको चैट बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ आपको चैट बॉक्स में आपका होमवर्क पोस्ट कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में ध्यान देंगे, अभी के लिए क्या करना आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी, सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, ले लिया जी। ओके ठीक है, मैं आपको 1 मिनट हमको टाइम दीजिए, मैं आपको चैट बॉक्स में आपका होमवर्क पेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप सभी बच्चे चैट बॉक्स में, सभी बच्चे चैट बॉक्स में देखेंगे, चैट बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक की सहायता से आपको अपना होमवर्क बनानी है, जब आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अपने सारे नंबर फिल करना है, उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन दिखेगा उस क्वेश्चन को आपको बना लेनी है, ठीक है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको अपने सारे नंबर फिल करना है,
आपको अपना सारे नंबर फिल करना है और आपको जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को बना लेना है। यही आपका आज का होमवर्क है, यही आज का आपका होमवर्क है। अगर सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई कि मैंने क्या बताया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, ये आज का आपका होमवर्क है। चलिए तो आज की कक्षा हम लोग यहीं तो पढ़ेंगे, अगर यहां तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके आप जा सकते हैं।